इधर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का एक ट्वीट सामने आया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तन्खा ने यह ट्वीट किया है। उनका कहना है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के फॉर्म में कई त्रुटियां हैं और चुनाव के फैसले के बाद ये मामला कोर्ट में जा सकता है, ये कहना है विवेक तन्खा का। तो इधर अब जब राज्यसभा की के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद विवेक तन्खा का ये ट्वीट सामने आया। उनका कहना है कि जो फॉर्म भरे गए हैं नामांकन के, उनमें कई गलतियां भी हैं, लेकिन क्या कुछ गलतियां हैं फिलहाल उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन उनका कहना है कि चुनाव का फैसला आने के बाद इस मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं।